तो चलो प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं। ये इस वाले लेक्चर में हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन है यूरोडोप का। जुपिटर हैव टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 12 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। देखो जुपिटर का टाइम पीरियड ज़्यादा है, तो जुपिटर जो है वो सन से थोड़ी सी दूरी पे रहेगा, तो ये है जुपिटर और ये है अर्थ, ठीक है, क्योंकि और ये है अपना सन। सन के पास रहने वाले जो प्लेनेट हैं भाई साहब, वो ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे, तो ये सन अच्छा खासा चमक रहा है, ग्लो कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अज्यूम द प्लेनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट, हाउ मेनी टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द जुपिटर एंड सन एक्सीड बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो सबसे पहले ये देखो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना। अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस आर ई मैं बोल देता हूँ, आर ई इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, और आर जे इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द जुपिटर एंड सन। तो ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी टाइम्स आर जे की वैल्यू कितनी होगी, कि जुपिटर का जो डिस्टेंस है वो कितना बड़ा होगा आर जे की वैल्यू। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले पार्ट ए अगर मैं सॉल्व करूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन का पार्ट ए सॉल्व करूँ, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए हमें टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा यार। तो टाइम पीरियड जो है, तो टाइम पीरियड की स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हम सबको याद है, 4 पाई स्क्वायर जी एम ओवर आर की पावर क्यू इन ए जनरल फॉर एनी प्लेनेट इलिप्टिकल या सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, तो वो सभी के लिए वेयर आर सर्कुलर, सर्कल का रेडियस और एलिप्स होगा, तो ये एवरेज हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा, ठीक है ना, मेजर एक्सिस आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यू मस्ट रिमेम्बर इट, और ये डिराइव हुआ है, कई बार इसको डिराइव मैं किया हूँ, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेंट्रीपिटल को ग्रेविटेशनल से बैलेंस कर देना। तो चलो अब देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब बेसिकली हमें निकालना है कि अब टाइम पीरियड यहाँ से आ जाएगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू आर की पावर क्यू। तो यहाँ से जुपिटर, जुपिटर का और अर्थ का ये पावर क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर और टाइम पीरियड अर्थ की यहाँ से स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये कलर बदल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा फीका फीका लग रहा है, हरियाली ले लेते हैं। तो ये यहाँ से ये जो आर जे है, तो आर जे की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आर जे इज इक्वल टू आर ई इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द जुपिटर और टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ की पावर 2/3, ये ऐसा लिख सकता हूँ। अब कुछ नहीं करना है, रटा रटाया वैल्यू इसमें हमें डाल देना है। तो जो जुपि यहाँ दिया हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ द जुपिटर इज 12 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर और टाइम पीरियड अर्थ की जो वैल्यू है वो 12 है। तो अगर इसको मैं उठा के यहाँ डाल दूंगा तो देखो मुझे कितना मिलने वाला है, तो यहाँ मुझे मिलने वाला है रेडियस ऑफ द जुपिटर और रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू ये 12 की पावर 2/3। अब यहाँ से तुम देखोगे कितना टाइम्स एक्सीड है, ये वाली चीज़ हमें निकालनी है भाई। तो कितना टाइम एक्सीड है और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आएगा भाई, 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, और ये जो है ऐसे आ जाता है, तो ये आ जाएगा 144 का क्यूब ले लो तो ये आ जाएगा 5 पॉइंट, सॉल्व कर लेना ये तुम, 5.24 इतना। तो डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड जुपिटर इज इक्वल टू 5.24 और डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ इतना टाइम एक्सीड है। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द पार्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हमारा डन हो गया। तो चलो पार्ट बी, पार्ट बी वेलोसिटी एंड एक्सलेशन ऑफ जुपिटर इन हीलियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक क्या मतलब होता है, कि अगर मैं अब वेलोसिटी और एक्सलेशन जुपिटर और वेलोसिटी एंड एक्सलेशन ऑफ जुपिटर, तो एक्स जुपिटर की वेलोसिटी और एक्सलेशन, ये डेटा, ये भाई टाइम पीरियड जुपिटर, ये ध्यान रखना कि दिया था, एक कंडीशन दिया था। तो यहाँ से तुम देखोगे हीलियोसेंट्रिक थियरी क्या होता है, पार्ट अगर बी अगर इसका सॉल्व करोगे तो ये अपना सन है, तो अगर ये सन है बेसिकली, तो जो जुपिटर है दिस डिस्टेंस इज जुपिटर, और जुपिटर इसके अराउंड ऐसे चक्कर लगा रहा है बेसिकली, तो ये अपना प्लेनेट जुपिटर है, ठीक है।
तो यहाँ से तुम अगर इसकी वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी निकालने के लिए बहुत आसान है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए बेसिकली हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, वेलोसिटी निकालने के पहले टाइम पीरियड तो जुपिटर का हमें पहले से पता है 12 ईयर होता है, ऐसा सदियों से चला आ रहा है डेटा है, तो वो आप देख लेना। तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैं सेंट्रीपिटल को ग्रेविटेशन से बैलेंस कर देता हूँ, ये इधर की डायरेक्शन में सर्कल में चल रहा, तो सर्कल में चल रहा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगी, ग्रेविटेशन से मिलेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की मास ऑफ द जुपिटर एम, वेलोसिटी ऑफ द जुपिटर इसके सन के रिस्पेक्ट में, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देखता है और ये सन स्पिन नहीं कर रहा, सन का ओमेगा 0 है, तो ये सारे अजम्पशन लग रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। और सेंट्रीपिटल एम भी उस स्क्वायर ओवर आर जे, ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू जी मास ऑफ द सन मास ऑफ द जुपिटर और डिवाइडेड बाई आर जे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आर जे ने एक आर जे को ख़त्म कर दिया और यहाँ से मास ऑफ द जुपिटर काउंट नहीं हो रहा है तो ये ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से वेलोसिटी वी स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल जी मास ऑफ द सन और आर जे के इक्वल आ जाएगा। तो आर जे को टाइम पीरियड में कन्वर्ट करके यहाँ रखो, तो टाइम पीरियड भी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो आर जे मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। तो यहाँ से तुम भी इज इक्वल टू आर सफिक्स जे ओमेगा इज इक्वल टू 2π t। तो यहाँ से जो आर जे की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस बिटवीन सन एंड जुपिटर, वो vt अपॉन 2π के इक्वल आ जाएगा। तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ छाप देता हूँ, इसमें रख देता हूँ, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा देखो, तो वेलोसिटी v का स्क्वायर इज इक्वल टू g मास ऑफ द सन और आर जे इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ से तुम देखोगे 2π ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली अगर हमें क्या निकालना था, वेलोसिटी निकालना था, तो वेलोसिटी वी की पावर क्यू जो आ जाएगी तो जी मास ऑफ द सन और 2π इधर आ जाएगा और ये टाइम पीरियड। अब ये दिस इज द वेलोसिटी एक्सप्रेशन, यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी 2π। और टाइम पीरियड ऑफ द जुपिटर, बी केयरफुल, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द जुपिटर, इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर। नाउ पुट ऑल दिज वैल्यू, तो सारी वैल्यू को यहाँ रखोगे तो 2π की वैल्यू 3.14 एंड जी 6.67 इंटू 10 की पावर 11 माइनस 11 और मास ऑफ द सन 1.97 इंटू 10 की पावर 30 एंड डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड ऑफ द जुपिटर। तो टाइम पीरियड ऑफ द जुपिटर इज इक्वल टू 12 ईयर होता है, यूरोडोप के डेटा में दिया हुआ, तो ये 12 और इन सब पे पावर है 1/q। तो ये हम साइंटिफिक बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन यूज़ द कैलकुलेटर ऑब्वियसली, बट यू टू ट्राई टू सॉल्व दिस कॉन्सेप्ट। ये लगभग आ जाता है 12.97 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ द जुपिटर है जो कि इतनी आ रही है। अब हमें इसमें जुपिटर की वेलोसिटी के साथ साथ इन्होंने ये भी पूछा है कि जुपिटर का एक्सलेशन निकालो। तो चलो जुपिटर का एक्सलेशन अगर निकालते हैं, तो एक्सलेशन ऑफ जुपिटर अगर हम कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों, एक्सलेशन ऑफ जुपिटर, तो जुपिटर की एक्सलेशन निकालने के लिए अब अगर मैं सन से खड़ा होकर देखता हूँ, सिंपल सी बात है मेरे भाई, अगर तुम सन पे ही खड़ा हो जाओ, तुम ये सन पे खड़े हो जाओ और यहाँ से तुम देखोगे तो जुपिटर इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, लगभग लगभग सर्कल में चल रहा है जुपिटर। तो ये सन की स्पिनिंग वगैरह ख़त्म कर दो, ये इस पे खड़े हो जाओ सन पे, तो सन से खड़े हो जाएंगे और ऐसे जुपिटर, दिस डिस्टेंस इज आर ऑफ द जुपिटर और ये पूरा का पूरा वी वेलोसिटी से मूव कर रहा, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये, तो अगर मैं इसको सन के फ्रेम से देखता हूँ, तो इस पूरे बॉडी पे सेंटर की तरफ, यहाँ देखना सेंटर की तरफ, इधर की डायरेक्शन में सेंटर की तरफ, इस पे सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगे ना, क्योंकि ऑर्बिट सर्कुलर है यार, तो ऑर्बिट सर्कुलर है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा और यही हमें सेंट्रीपिटल एक्सलेशन इसी को बोलते हैं। क्योंकि मैं इनर्शियल फ्रेम से देख रहा हूँ, मेरा फ्रेम का एक्सलेशन 0 है, ओमेगा 0 है और लीनियर एक्सलेशन सब कुछ 0 है। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है उसकी वैल्यू ही पूछ रहे, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन क्या होता है, वी स्क्वायर ओवर आर। तो वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ जुपिटर, मतलब यहाँ पे स्पीड, स्पीड ऑफ जुपिटर, तो जुपिटर की स्पीड, और टी जो है टाइम पीरियड। तो यहाँ से तुम देखोगे तो अगर सेंट्रीपिटल ये फोर्स है,
एम बी, तो एक्सलेशन की जो वैल्यू आ जाएगी, एक्सलेशन की वैल्यू वो भी स्क्वायर ओवर आर आ जाएगी। तो भी स्क्वायर ओवर आर, तो अभी आर हम लोग निकाल के लेके आए हैं, आर ऑफ द रेट, आर की जो वैल्यू है भी अपॉन टी अपॉन टू पाई, ये सब जुपिटर का डेटा है, तो यहाँ से तुम रखोगे तो वन अपॉन वी का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई वी टी एंड टू पाई ऊपर चला गया, तो यहाँ से हम पुट करेंगे जो वैल्यू, तो टू पाई भी और टाइम पीरियड टी, तो यहाँ से दिस इज द एक्सलेशन ऑफ द जुपिटर, दिस इज नथिंग बट इट इज द एक्सलेशन ऑफ द जुपिटर जो कि सेंटीपिटल एक्सलेशन आ रहा है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी जो हम पहले निकाल के लेके आए थे तो उसका भी तो यूज कर लें, तो टाइम पीरियड और ये सारा डेटा मैं जुपिटर का रख रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू टू पाई जी मास ऑफ द सन डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड ऑफ द जुपिटर, तो जुपिटर का टाइम पीरियड की पावर 1/3 आया था। अभी देखो ऊपर, देखो ऊपर ऊपर देखो ऊपर ये वाला, तो ये वाला एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन का अगर मैं यूज कर लेता हूँ तो फाइनली जो एक्सलेशन दिखने लगेगा वो आ जाएगा 2 पाई टाइम पीरियड, कुप्चे में इधर साइड में ले लो और ए आ जाएगा 1/3 और 1 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 4/3 और यहाँ से जी मास ऑफ द सन की पावर 1/3, तो दिस इज नथिंग, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सलेशन ऑफ द जुपिटर, तो दिस इज द फाइनल एक्सलेशन ऑफ द जुपिटर, वेल ऑल डेटा इज गिवन फॉर जुपिटर, तो टी जो है टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर, टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर, जुपिटर का डेटा है मेरे भाई, जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम जो है मास ऑफ सन है, यहाँ पर मास ऑफ सन इज हियर एंड जी फॉर ऑब्वियसली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻¹¹ और टी जो है टाइम पीरियड ऑफ द जुपिटर जो कि 12 ईयर है, ठीक है। तो ये सारा डेटा अगर रखोगे यहाँ पे तो सारा डेटा रखने के बाद सॉल्व करने के बाद आ जाएगा एक्सलेशन ऑफ द जुपिटर, दैट इज यहाँ पे सेंटीपिटल एक्सलेशन, पुट कर दो 2.15 × 10⁻¹⁴ किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दिस इज द फाइनल एक्सलेशन एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।